दोस्तों बात करते हैं आईटीसी लिमिटेड के कल के टारगेट्स की। आज देखिए ठीक ठाक मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया है, मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आई है और उसके साथ साथ आईटीसी की जो रिएक्शन रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। यहां से अगर मार्केट रिकवर करता है तो आप देखेंगे कि आईटीसी में भी एक अच्छी रिकवरी आने के चांसेस हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हमने कई वीडियोस किए थे इस पे, अब शॉर्ट टर्म के लिए यानी कल के टारगेट्स की हम बात करेंगे, कल के कौन से लेवल्स हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में भी ये लेवल्स आपके लिए कामगार हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में आप निवेश कर रखे हैं तो यहाँ पर अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, बात करेंगे लेवल्स की भी, बट उससे पहले अगर आप इंट्राडे का सिंपल चार्ट देखें आज के लिए, तो यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी आई थी एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, पूरा दिन आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक ने एक डल ही बिहेव किया है, न्यूट्रल जोन में रहा है, साइडवेज की जर्नी रही है होल डे, बट आप एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई थी। और वैसे ही आईटीसी ने भी मार्केट में बहुत ही बेहतरीन रैली के साथ यहाँ पर क्लोजिंग आई है। हालांकि आईटीसी बेहतर परफॉर्म कर सकता है ये सभी जानते हैं, क्योंकि आईटीसी का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही बेहतरीन है। और एक बहुत ही बेहतरीन खबर आई थी फूड इंडस्ट्री को लेकर के, इनके आईटीसी ने लॉन्च किया है अपना मिल्क शेक केक एज इट एक्सपेंड्स फूड पोर्टफोलियो। फूड पोर्टफोलियो लगातार इनका बढ़ रहा है, जैसे जैसे कोविड का फायदा इनको मिला था जब कोविड का टाइम था, उसके बाद अब यहाँ से ये फूड आइटम्स पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हालांकि इनका सिगरेट का बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है, जो कि मेजर रेवेन्यू सोर्स है इनका। उसके साथ साथ ही पेपर इंडस्ट्री भी इनकी बहुत ही अच्छी चलती है, जो सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री है इनकी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, तो वो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है यहाँ पर आईटीसी के लिए। अगर ये अपना फूड पोर्टफोलियो इंक्रीज करते हैं तो वहां से भी इनको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो इस खबर के साथ भी काफी कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में आईटीसी के स्टॉक में, तो इस खबर पर आपको नजरिए रखनी है नजर। और आप देखेंगे तो मार्केट में भी एक अच्छी रिकवरी आई है, इस रिकवरी का भी लाभ लेना है आपको साथ ही साथ। ठीक है, मार्केट के में रिकवरी जो आई है उसका जो असर है वो सभी स्टॉक्स पर पड़ा है, और वैसा ही आईटीसी में भी उसका असर देखने को मिला है। अगर निफ्टी 50 के ऊपर की क्लोजिंग आती है हमारी आने वाले दिनों में, तो वहां से फिर बुल रन आ जाएगा हमारा मार्केट में, और जो उसका असर होगा वो सीधा असर पड़ेगा हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में या फिर आईटीसी जैसे स्टॉक्स में, कंज्यूमर सेक्टर पर बेसिकली। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ बाय नहीं करना है, आप देखोगे तो डीआईआई भी यहाँ पर लगातार खरीदारी कर रहे हैं और वो होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को। अगर आपने ऑलरेडी बाय किया है आईटीसी का स्टॉक, तो यहाँ पर होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी आपके लिए। और वही एक चीज आपको करनी है, क्योंकि अप्रैल का महीना बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो अब लेवल्स की बात करें, कल के कौन से लेवल्स हो सकते हैं, तो देखो एक लेवल तो हमारा 210 रुपए का है एज यूजुअल, और पहला जो टारगेट रहने वाला है वो बहुत ही एकदम 215 रुपए का रहने वाला है। टारगेट नहीं कहूंगा मैं इसे, हाँ, बट ये एक लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है लगातार, जिसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल रही है स्टॉक को। तो अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग स्टॉक में आती है तो बहुत ही बेहतरीन होगा। और अगर सेकंड टारगेट की बात करें, जो हमारा एक्चुअल टारगेट होने वाला है कल के दिन में, तो उस टारगेट की अगर हम बात करें तो हमारा जो सेकंड टारगेट है वो होने वाला है कुछ यहाँ पर 219 रुपए का। ठीक है, तो 219-220 रुपए का हमारा पहला टारगेट होने वाला है, जो कि एक्चुअल टारगेट होगा हमारा। ठीक है, 219 रुपए का हमारा पहला टारगेट होगा, इसे मैं हटा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो 220 रुपए का हमारा पहला टारगेट है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमें 210 रुपए के आसपास मिलेगा। ये सपोर्ट लेके ही आपको ट्रेड करना है अगर आप ट्रेड करते हैं तो, वैसे अगर आप ट्रेड ना करें तो बेहतर है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक अगर 210 के नीचे की क्लोजिंग देता है हमारा, तो वहां से बेरिश मोमेंटम बनेगा। इस समय पर मैग्डी को देखेंगे तो मैग्डी हमारा बुल रन में है, यानी बुलिश है, और आरएसआई भी हमारा स्ट्रांगली प्राइस मोमेंटम में है, स्ट्रांग प्राइस मोमेंटम बिहेव कर रहा है। ये इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट खासा है इस स्टॉक में इस समय पर, और इसीलिए इस स्टॉक में एक अच्छी रैली आने की उम्मीद है। आप देखेंगे कि ये रैली दोबारा से स्टॉक में कंटिन्यू होगी यहाँ से, जिस तरह का एक हमारा बुलिश हर्मी कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है, तो रिकवरी आने के चांसेस यहाँ पर है। मार्केट का सपोर्ट यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मार्केट सपोर्ट करेगा तो आईटीसी का स्टॉक हमारा कल के दिन में 220 रुपए तक भागने की तैयारी पूरी पूरी कर चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म कर रहे हैं। वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर कर देना वीडियो को एंड चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बहुत अच्छी किताब का लिंक दिया है मैंने, इट इज नॉट अ प्रमोशन और मुझे कोई पैसा भी नहीं मिलने वाला है, बट जस्ट दैट कि इन्वेस्टर्स के मेल आए थे हमारे पास टू रजिस्टर बुक, तो वो बुक हमने लिंक की है, बहुत अच्छी किताब है, मैंने नहीं लिखी है। एंड जाके पढ़िए, फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से करना होता है स्टॉक का, फॉर शॉर्ट टर्म फॉर लॉन्ग टर्म, काफी कुछ आपको उस किताब से सीखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।